या जब पौधे ले रहे हैं, ये जामलू का पौधा, साथ साथ मैं आपको नाम बताता जाता हूँ, ये मिला मुझे 300 रुपये का। इनका की ना है रखो आ केड़ा है युका ते दराल दो छोटे पैर तू चुक लिया और दे दे इन दराल ही पैया। अच्छा जी हम ए दस सुहाजना से ले आवे तो केड़ा लवीए आ आ एक खरीद आवे ए केड़ा चुकना है केड़ा बढ़िया है बोनस ही ना ठीक ठीक। अच्छा एक चीकू का कड्डो जी केड़ा है थल्ले ओदी देख भाई इजला के इजला थोड़े लगे इन्हें तो है कोई ना हमने लंबाई नहीं देखी हमने इसकी वो देखी डेकोरेशन किस चीज में है इन गमले ना त्रोड़ी मेरे गमले बचाई हैं महाराज इन चोलावां दे जेड़े ने केड़े जेड़े हर कोई खाता है ये हमने पौधे खरीदे हैं जी 7000 रुपये के चलो बस नहीं नहीं पौधे कितने ने पौधे कितने ने उत्थे पौधे उधर जो उची बोल इस बेल का क्या नाम है जी सेरा बेल सही है ये मैंने उन्हें गिफ्ट दिए जी अंकल ने पांच पौधे ये बेशक गमले च रखी रखी है कि जमीन च लाइए इनका की नाम है कटिंग मिराज कर लो मैं करें तो पता है कि मैं करनी है इंदा मैंने गुच्छा होता मैंने गुच्छा ये हमारे पौधे जा रहे हैं तू अंदर आओ एक बारी हेलो महाराज तेरे में मना कितना जोर लान तू साइड दे हो जा जी हाँ जी चाय बन रही है आज की वीडियो में आपको मैं नज़र नहीं आऊँगा सिर्फ चीज़ें नज़र आएंगी क्योंकि मेरी शेव होने वाली है गिलास है उसे नहीं चाह रहे
ਉਹ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਲਾਸ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਖੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ये देखिए जी आज की प्रोग्रेस देखिए और कल की ये बॉर्डर सारा का सारा गोल्डन पेंट हो गया है और ये बाले दोबारा से गोल्डन हो रहे हैं जी। पहले वो सड़ा हुआ गोल्डन रंग था, अब प्योर गोल्डन है। चाय बन रही, चाय चाहिए इनको, चार बजे चाय चाहिए। चलो हैं तो जड़न ना लगे पौधे हाँ वो इतने ना ला ले जाते उधर पीछे छतरियां बननी हैं तो चलो बड़ा होता नहीं लग सकते इतनी प्यार होने से आह इतने रान बनने हैं दूसरे जगह निकले उधर खा देने उधर ला ले रखी गई इटा सारिया बह जो चाह पकती भी पी के जाए जी। तेरी जा की थी चल चाह पे फिर मराज माशाल्लाह माशाल्लाह ਚਾਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਇਹ ਜਾਮਨੂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੁਕੰਡਾ ਇਹ ਕਹਾਂ ਲਗਾਏਂਗੇ ਇਹ चाह तो यहाँ लगाएंगे थले टेढ़ा ले अंदर चलो ये यहाँ लगाएंगे ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਦੁਬਾਰ ਤਰੋੜ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਓ ਉੱਥੇ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਰੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਛੱਡਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਵਾ ਲਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਲਵਾਉਣਾ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲ ਆਇਆ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗਮਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਫਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਉਹ ਗਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾ ਥਾ ਔਰ ਉਹ ਫੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ फिर ये लगा अब ये भी हरा होना शुरू हो गया है और यहाँ पे मैंने बनाना है फाउंटेन की जगह आई जाओ और ये घास बाद में लगा ये भी हरा होना शुरू हो गया माशाल्लाह इस क्यारी से रख छोड़ो आई जी हाँ जी ये चीकू का पौधा है इसके ऊपर चीकू भी लगे हुए हैं चीकू तो और पता की होंगे ना ये देखे जी को फल बनता एडा एडा आ जाओ
ਇਹ ਗਾਸ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਥੋੜੀ? काला छापा की बाहर ही पारा क्यों सटता पे का लगा उ लैक्ट पावर बड़ा है बहुत है जी। यहां पर हम लगा रहे जाम नू त्रोड़ी ना सुक गया ना पौधा फिर तू देखी सारे ने गोल गोल थले सट जमीन ते इन्हां दे तरीके वेखो इन्हां दे पौधे कड्डन दे बराज ते नाच ते गमले च पौधा कड्डना नहीं आया इन दी कड्डे दा और के होना चाल तू चाल गमला चाल बन्नू में हुण लाल पौधे की डायरेक्शन भी वेखनी है ओले वेखी तो कोई डिंगा पौधा लै आता चलो सही है ठीक है सीधा कर ले जी इत रखो इन बार लाल कोशिश करो गमला निकल सकता नहीं निकल सकता इन तोड़ो निकल जा तोड़ के निकल सकता निकल जा जाओ थोड़ी ओ सारे बज गा साहब नहीं निकलना जी डाडी सलाह ना सलाह मेरी भी इन जाए बरका पे है किल्ला ए या तंजे 6 महीने सुखा लेके गिल्ले ही निकलना सुखा को नहीं निकलना चल मिस्त्री तू चुक इन एक खलोंदा तू चुक करने दी थोड़ी जमे ना तेरा इतो दी करो ना प्यार मोहब्बत इन ठोकर मारो थोड़ी मारो थोड़ा जी ये हमारा मुरंगा की मुरंगा चीकू लग गया हमारा इन तो चीकू लगे भी होने ये लगे ने ए पत्ते जे आ नहीं बेच अच्छा अच्छा मैं कहता तुम जो फड़ी बैठे हो तो पत्ता फड़ी ए और पता नहीं बड़े हो बंदे तो देखा दे की दू आंखी दा चीकू ए भाई ना मुरब्बे नहीं होंदे जेड़े ओ नहीं है मुरब्बे उंदे वाकन दा लाल रंग दे होंदे जे ओ नहीं है ए ओ नहीं ओ नहीं है इधर लोदे दे घर लगे ओ तो उठ बुलाया है ओ बड़ा दे लाया ओ बड़ा प्यारा जाय दे लोदे दे घर लगा पाइप पर कर थोड़ा ना पीछा थोड़ा आइते ओए नहीं भाई आइते छोटे पास भी जाते हैं जिन्हें बचाने नहीं होता ये हमारे दे लग ए बड़ा सारा हो जो सी ए भी सोना है ना चलो दूजा इत्थे ओ जरा उरे ही लग ए इत्थे ठीक है जिथे लबंदा राह तारी चाहिए होंदी ए सुते जाना इस करा पैर ना बस बहुत खट्टा ए पौद्या ने 200-200 रुपए दे ए वाले ओ है जी 1600 1740 रुपए दा
ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨਾ 3500 ਦੇ ਦੋ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਪੌਦੇ ਸਾਰੇ 6000 ਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੌਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਡੰਡੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ये हमारे लेफ्ट राइट लग गए हैं वो फासला थोड़ा है चलो ये ज्यादा है वो थोड़ा हम रह गए ने जी ए रात आ रिश्ता जो बुकिंग हुई आ चलो ले आओ सरू वाले जड़े नो इत्थे लेने उल्टा शौक हाँ सही उल्टा शौक लिया फिर जी ये भी हमारे पौधे लग गए अब वो लेकर आओ पहले छाड़ दो गमला एक लेके आओ ये इस रास्ते पे हम लगाएंगे इधर रख दे बस ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪੌਦੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਯੁਕੰਡਾ ਕੇ स्पेशल है बाकी डीलर जी हमारे ये और हसने लायक भी कैचअप सुनवा चलो ये आप यहां से ले ही लेंगे अनबॉक्सिंग की जाए अनबॉक्सिंग की ले ओह यस वाह नहीं लोगों को देखने देना ये पता नहीं क्यों दे देते हैं ये हम खाते तो हैं कोई नहीं बच्चों के लिए ले जाना देखिए स्ट्रॉ पड़ी हुई रखे उठाए कैचअप भी और लेके आए अच्छा जी शेख साहब किस ले ये आप किधर है बाईपास पे हैं जी आ गए हैं बाईपास पे आप किधर थे अच्छा आप सियाल मोड़ गए बाईपास पर आए हैं केएफसी की न्यू ब्रांच बनी है उसकी आज ओपनिंग है तो इस सिलसिले में हम इधर आए हैं बाईपास से ना इस तरह होते हैं फिर वो बॉर्डर पे चढ़ जाते हैं फिर वहां से ना यू यू ओ यू ओके ना फिर भी आते आते जी नहीं वो बहुत सच बोल रहे हैं वो कहते घर बताया बाईपास पे हम मैंने घर बताई कुछ नहीं ठीक हो गया जी मेरा स्ट्रा किधर है क्या किधर है इधर ही है ऊपर करना इसे चले जी अब खा के अब आपसे मिलते हैं या बड़ा बर्गर छोटा तैयार कर दिए ये अगर सुहेल साहब आगे पूछ रहे थे हम इसका क्या करें हाँ ये हम सुहेल साहब को बता रहे हैं कि इसका हम ये कर रहे हैं सही है अपनी मर्जी का फिर पर आपने इससे की सारी चीजें भी खानी है जी जी वो भी खाएंगे अच्छा इसके ऊपर ठीक है यस फिर हम केचप डालेंगे केचप भी लगाएंगे और फिर हम इसको अनबॉक्स करके खाएंगे ये देखिए जी हमारी गाड़ी बंद हो गई है अब हमें धक्के लगाने पड़ रहे Somebody help me ये देखे जी शेख साहब और चौहान साहब धक्के मार रहे हैं और मैं वाक आ रहा हूँ मैंने कहा अब ये नई गाड़ी ले ले शायद कहा था ना नई गाड़ी ले ले हैं जी
जी हाँ जी, अभी हम मोटर पे हैं और पिंडी भट्टिया सियाल मोड़ के दरमियान में हमारी गाड़ी को मसला हो गया, चेक करवाया था मकैनिक ने कहा था पेट्रोल खत्म हो रहा था, गैस स्टार्ट हो जाएगी और वो गैस स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब पीछे मोटर पे पिंडी भी आई हुई है, देखें क्या बनता है। तो आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइफ स्टाइल विद सहेल मेरे को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।